जो है जो हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे कई पानी के अलग अलग लिक्विड डेंसिटी वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम हमने यूज़ किया है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से लेयर्स बनी हुई हैं अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड की, और जिनकी जो मतलब सभी लिक्विड की जो हाइट है अलग अलग है, जैसे इसकी हाइट है D1, इसकी D2, D3, D4, इस तरह से सभी लिक्विड की जो विड्थ है ना लेयर की वो अलग अलग है। तो इसमें अगर अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाना होगा तो वो कैसे लगाएंगे, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू D1 बाई म्यू वन प्लस D2 बाई म्यू टू प्लस D3 बाई म्यू थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अपेरेंट डेप्थ का आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, पहली बात। दूसरा, इसमें जो कम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, पूरा कम्बिनेशन का, सभी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, लेकिन कम्बिनेशन का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने को कहेगा तो वो कैसे फाइंड आउट होगा वो देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कम्बिनेशन, इसके लिए आपको यूज़ करना है रियल डेप्थ, ध्यान देना, रियल डेप्थ पूरे लिक्विड का डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ ऑफ पूरे लिक्विड का। तो रियल डेप्थ पूरे लिक्विड का कितना है, D1 प्लस D2 प्लस डॉट 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 सारे का जोड़ देंगे रियल डेप्थ में, अपेरेंट डेप्थ तो ये है पूरी वैल्यू है ना, अपेरेंट डेप्थ ये पूरी वैल्यू अपेरेंट डेप्थ है, तो इसको लिख देंगे D1 बाई म्यू वन प्लस D2 बाई म्यू टू प्लस D3 बाई म्यू थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम्बिनेशन का। इस फॉर्मूले से ही आप पूरे जो कम्बिनेशन है लिक्विड का, पूरा कम्बिनेशन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे।